तो गाइज वेलकम टू क्रिस्टल कार के अनदर वीडियो। दो बलेरोनियों की मॉडिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूँ, एक ये खड़ी हुई है एक ये खड़ी हुई है। पहले मैं आपको इससे शुरुआत करता हूँ। तो भाई मॉडल रहने वाला N10, तो इसमें भाई सीट कवर्स वगैरह हो रही है, स्क्रीन लगी है, अंदर स्टेयरिंग कवर स्टिच हुआ है और सनग्लास होल्डर लगा है। बाकी सीट कवर्स का कलर कुछ ऐसे रहने वाला है। और साथ ही साथ दूसरी जो बलेरोनी हमारी है N4 है ये, इसमें आप नीचे रिफ्लेक्टर्स देख सकते हो, रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं। बाकी रूफ रेल्स हो गया ऊपर। और सामने से दिखाऊं तो भाई नीचे आपको फॉग लैंप्स दिख रहे होंगे, फॉग लैंप्स लगाए हैं हमने। और यहाँ फुटरेस्ट देख सकते हो और अंदर स्टेयरिंग कवर का काम चल रहा है, सीट कवर्स लगने वाले गाड़ी में, फ्लोरिंग भी पूरी नीचे हो रही है। तो भाई पूरी वीडियो ना एंड तक देखना, दोनों बलेरोनियों की मॉडिफिकेशन आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो स्किप मत करना, हम मिलते हैं गाइस वीडियो के एंड में। तो गाइस ये देख सकते हो अपनी बलेरो तैयार हो चुकी है, दोनों बलेरो इसमें रहने वाली, एक N10 है एक N4 है। पहले हम N10 को करते हैं क्योंकि भैया को हम करेंगे फिर फ्री। विजय भी हमारे साथ है। विजय भैया क्या क्या करके दिया आज हमने इस गाड़ी में? इस गाड़ी में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बेसिक काम हुआ है। ठीक है भैया, ये बलेरो N10 है, पुरानी लोगों वाली, ठीक है, देख सकते हो स्टार्टिंग में आता था वो। ठीक है, तो ये आगे का लुक ये है। ठीक है भैया, पर आपको न्यू लोगों में ग्रिल चाहिए तो मिल जाएगा। ठीक है, ग्रिल मिल जाएगी भाई अपने को। हाँ जी, फॉग लैम्प बेस मॉडल के लिए मिल जाएंगे, बेस मॉडल के लिए मिल जाएगा। पर जिन भाई के पास N10 भी हो, उनको प्रोजेक्टर लगाना हो तो प्रोजेक्टर मिल जाएगा। जैसे भाई अपनी N4 यहाँ खड़ी हुई है, N4 है, इसके अंदर ग्रिल का कोई छल्ला क्रोम कुछ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेन होता है बजट, आदमी की जैसी बजट होता है वो वैसा काम करवाता, जो नीड होता है उनका जो चीजें वो लगवाते हैं। ठीक है, इन्होंने ब्लैक गाड़ी है, इस वजह से समझो यार प्राइस की वजह से समझो कि इनकी बजट कम होगा तो कम प्राइस में गाड़ी पूरी तैयार हो जाए, तो इस वजह से भी ये नहीं लगवाए होंगे। ठीक है, ठीक है, तो बात कर लेते हैं। फॉग लैम्प आगे का कोई भी चीजें ग्रिल में नहीं हुआ, हेडलाइट के अंदर भी कुछ भी अपडेट नहीं है। ठीक है, जो कंपनी की है स्टॉक वही है, पर आप LED DRL प्रोजेक्टर इसमें लगवा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारा महिंद्रा का जर्मन इसमें फॉग लाइट लगा है। ठीक है, तो ये हमारा N10 मॉडल, ये हमारा N4 मॉडल। ठीक है, तो भाई दोनों का आपको साथ ही साथ डिफरेंस भी दिखा दिया। ठीक है, तो इसमें और क्या हुआ तो वो दिखा देता हूँ, और बाहर इसमें कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, मेन फोकस वैल्यू गाड़ी का जो अंदर फोकस है भाई सीट कवर्स पे रहने वाला है। सीट कवर्स देख सकते हो भाई पूरी बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग है इसका, हमारा सीट कवर। ठीक है, सीट कवर की फिटिंग फिनिशिंग सब आपके सामने है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, सीट कवर हमारी पूरी कंप्लीट हो चुका है, तो इसकी फिटिंग फिनिशिंग क्वालिटी सब आप लोगों के सामने है। ठीक है भैया, ठीक है। अब सीट कवर के बाद हम देखते हैं एंड्रॉइड लगाया हमने इसके अंदर। ठीक है, एप्पल कारप्ले वाला रहने वाला, कारप्ले वाला मेन ऑडियो का। ठीक है भैया, और इसकी फिटिंग फिनिशिंग कहीं से कोई गैप नहीं है, पियानो फिनिशिंग में फ्रेम है। ठीक है भैया, इसी के साथ हमने लगाया इसके अंदर सनग्लास होल्डर, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के रहने वाला है ये भी। इसकी भी फिटिंग फिनिशिंग आप लोगों के सामने है। ठीक है, इसी के साथ हमने लगाया स्टीयरिंग कवर जो कि फुल है, फुल स्टीयरिंग कवर है, और ऐसा भी नहीं कि मूव करेगा भाई, फुल टाइट रहने वाला है। बाकी ये तो लगा ही आता है बेस मॉडल में भी, जब हमने लगा मॉडल में नहीं आता ये, आप हमसे लगवा सकते हैं। ठीक है, और पीछे का थोड़ा सा देख लो भाई, लुक कुछ ऐसे रहने वाला है। ये हमारा अमरिस्ट है। ठीक है भैया, ये टॉप मॉडल में आता है हमारे पास, इसका भैया फिर कौन सा मिल जाएगा? हमारे पास भी आपको अमरिस्ट मिल जाएगा ग्लास होल्डर के साथ। ठीक है भैया, तो लगवा सकते, पिछली वीडियो में आप देख सकते हो हमने लगाया वो गाड़ी में। बाकी इस गाड़ी में बोलूं मुझे भैया सिर्फ इंटीरियर का ही काम था, तो बेसिक काम हुआ है और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, साथ ही में वो खड़ी है और जो N4 रहने वाली है, तो विजय भैया पीछे से ही शुरू कर देते हैं, इसको क्या क्या करके दिया हमने इसमें? N4 में हमने रिफ्लेक्टर लाइट लगाया है। ठीक है, नीचे से रिफ्लेक्टर लगाया हुआ है, रिफ्लेक्टर है। साथ ही साथ ये हमारा महिंद्रा जर्मन स्पॉलर है इस मॉडल में, और N8 में स्पॉलर नहीं आते। ठीक है, तो ये हमने महिंद्रा जर्मन स्पॉलर लगाया, आप देख लो भाई फिटिंग फिनिशिंग दोनों की देख लो, एकदम डिट्टो होने वाली है, पता नहीं चल रहा भैया कौन सी बाहर से लगी है कौन सी। इसी के साथ हमने रूफ रेल लगाया, रूफ रेल देख सकते हो भाई, ब्लैक में रेन वाइजर लगाया है, रेन वाइजर मैं आपको दिखा दूं क्रोम फिनिश का रहने वाला है। और साथ ही साथ मैट्स देख रहे हो विजय भैया कौन से आए हुए हैं, 70 मैट्स, अभी फिट हो जाते तो आपको दिखाते हैं।
इसमें हमारा क्या कहते हैं फुटरेस्ट पूरा डाला गया है। और अपने पास विंडो वाले मिरर्स भी मिल जाएंगे भैया, टर्निंग मिरर आपको एडजस्टिंग वाला मिरर भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें डंडी है। ठीक है भैया, और यहाँ पे स्विच की जगह छोड़ा हुआ है, ये भी आपको एस10 वाला सिल्वर में मिल जाएगा। ठीक है, ये पैनल भी आपको पूरा सिल्वर वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टीयरिंग इसमें हमने टॉप मॉडल का लगाया है, टॉप मॉडल का है, फुल डिजाइन इसमें भी रहने वाला है, बाकी सेम ऊपर देख सकता हूँ। सनग्लास होल्डर है। ठीक है भैया, सिस्टम इसके अंदर भी हमने लगाया है, सिस्टम भी रहने वाला है गाइस, फ्रेम वगैरह सब पियानो फिनिश का रहने वाला है, और नीचे फ्लोरिंग हुआ है कोको डाल वाली फ्लोरिंग आप देख सकते हो, फ्लोरिंग पूरी रहने वाली। तो गाइस स्टीयरिंग भी आप देख सकते हो, बेस मॉडल N4 में कोई कंट्रोल्स वगैरह कुछ नहीं आता है, और यहाँ टॉप मॉडल का स्टीयरिंग लगा दिया है, पूरा स्टीयरिंग चेंज होता है इसमें, कंट्रोल्स का ऑप्शन नहीं होता है इसमें, तो सीधा स्टीयरिंग ही चेंज किया जाता है, और जेन्युइन रहने वाला है, और ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, एयरबैग्स वगैरह सब प्रॉपरली वर्किंग रहने वाले। और इसके बाद अभी स्टिचिंग चल रही है भाई, पूरी फुल डिजाइन वाली स्टिचिंग है, और यहाँ भी आप देख सकते हो सीट कवर्स का कुछ कलर ऐसे लेने वाला, ये वाला विजय भैया काफी डिमांडिंग रहता है बोलेरो नियो में, देख सकता हूँ सीट कवर्स भाई, मतलब मोस्टली बंदे यही कलर सिलेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे थाई सपोर्ट भी रहने वाला है। हाँ, और पीछे के भी सीट्स आपको दिखा दें एक बार, तो थोड़ा सा लुक देख लो पीछे का भी कुछ ऐसे रहने वाला है। और बाकी विजय भैया मैं पूछूं, सीट कवर्स का कोई थाई सपोर्ट का हम चार्ज वर्ज तो नहीं करते? कोई चार्ज नहीं करते, हमारा बना हुआ इसी तरीके से होता है। ठीक है, इसी गाड़ी में नहीं, हमसे आप जो गाड़ी में थाई सपोर्ट हो सकता है उस गाड़ी में, गाड़ी का हमारा सीट कवर बना ही होता है थाई सपोर्ट। आर्मरेस्ट इसमें नहीं लगाया गया, आर्मरेस्ट मिल जाएगा विजय भैया अपने पास, मिल जाएगा आर्मरेस्ट अपने पास रहने वाला है। बाकी स्टीयरिंग कवर हाई एंड काम नहीं है, बेसिक नीड की चीजें हैं। ठीक है, लगाई गई है। ठीक है, पर इतना काम भी बहुत था इस गाड़ी के हिसाब से। ठीक है, तो बाकी प्रोजेक्टर वगैरह स्पीकर भी लगा है, पीछे कैमरा भी लगा है। ठीक है भैया, स्पीकर हमारा JBL Estate 2 का है, कंपोनेंट पीछे 2 का 6 इंची। ठीक है, बाकी प्रोजेक्टर वगैरह इसमें थोड़ा हाई एंड पे भी जाओगे तो भी मिल जाएगा, प्रोजेक्टर मिल जाएगा, बहुत सारे डला हुआ है। बिल्कुल, आप देखेंगे तो सारी वीडियो आ जाएगा एक साथ, जब आप हमारे क्रिस्टल कार केयर की चैनल डालेंगे तो आपकी वीडियो का लिस्ट आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो भैया दोनों गाड़ी के फिर कस्टमर से रिव्यू ले लेते हैं। हाँ, और फिर दोनों को फ्री करते हैं। तो भाई देख सकते हो दोनों कार के ओनर भी हमारे साथ आ चुके हैं, ये भैया के है N10 और ये भैया की है N4। पहले दोनों का नाम पूछते हैं, तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। कहाँ से आए भैया? मैं ग्रेटर नोएडा से। और भैया आपका नाम? दीपक धनखड़। कहाँ से आए भैया? रोहतक। ठीक है, पहले भैया से हम पूछेंगे, भैया आपकी गाड़ी का ऑलमोस्ट मॉडल तो टॉप ही है, बट जो भी रिक्वायरमेंट थी काफी चीजें आपने करा दी, जैसे सीट कवर्स वगैरह, इंटीरियर में ज्यादा हमने भैया इस गाड़ी में काम करके दिया, गाड़ी में कोई खास ज्यादा कुछ नहीं हुआ, सनग्लास होल्डर लगा, सीट कवर लगा। ठीक है, अपना स्टीयरिंग कवर लगा, स्टीयरिंग कवर लगा, ये सारी चीजें लगी है। ठीक है, तो मेन तो हमारा सीट कवर का फोकस है। ठीक है, क्योंकि हमने सीट कवर का थाई सपोर्ट के साथ लगाते हैं। ठीक है, और अब गाड़ी में फिट हो चुके हैं सीट कवर। ठीक है, तो भैया से जान लेते हैं कि इनको कैसा सीट कवर की फिटिंग लगा, सीट कवर्स कैसी फिटिंग है, स्टीयरिंग कवर, भैया सारी डिटेल्स खुल के बताइए और ऑनेस्टली बताइए। देखो मैंने जो वीडियो देखे थे आपके जी पे, जी उनके बेसिस पे मैं यहाँ आया था। ठीक है, सेम मुझे मिला। ठीक है, सेम क्वालिटी है, सेम फिनिश फिटिंग है। ठीक है, तो मैं सेटिस्फाइड। तो ओवरऑल भैया एक बात और पूछूं कि जो दिखाया जाता है वही मिल रहा है यहाँ पे आपको? हाँ। तो वैसे बोलूं सीट कवर्स कंफर्टेबल है बैठ के? कंफर्टेबल है। ठीक है, तो भैया पे आप चलते हैं, भैया N4 है आपकी, इसमें विजय भैया थोड़ा सा ज्यादा काम हुआ है मैं बोल सकता हूँ, इंटीरियर में तो कुछ भी लग के नहीं आता। ठीक है, गाड़ी में जैसे कोई सेटअप नहीं था। ठीक है, रिफ्लेक्टर नहीं थे, फोक लाइट नहीं था, स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं था। ठीक है, सनग्लास होल्डर नहीं थे, स्पॉइलर नहीं था, रूफ रेल नहीं था, तो भैया ने सारी चीजें कराई है भाई। मोस्टली N4 लेने पे ना आपको काफी ऑप्शन खुल जाते हैं, हालांकि N10 में भी विजय भैया काफी चीजें करवानी पड़ती है, बोलेरो नियो के अंदर आपको काफी चीज कराना पड़ेगा टॉप मॉडल लेके, क्योंकि इसके टॉप मॉडल में भी कपड़े का सीट होता है, उसमें पानी भी गिर जाएगा, अगर दो चार सोख लेगा तो गीला होगा और गंदा दिखने लगेगा। ठीक है, तो भैया से पूछते हैं, भैया फिटिंग वगैरह देख ली सीट कवर्स की? कैसी है फिटिंग भैया? अच्छी है, थाई सपोर्ट वगैरह पूरे प्रॉपर है। बाकी भैया बाहर से पूछूं, फॉग लैंप्स वगैरह भी लगाए आपकी गाड़ी में, पीछे रिफ्लेक्टर्स लगे हैं, इन सब की फिटिंग, जो छोटी छोटी चीजें इनकी फिटिंग, स्पॉइलर देख सकता हूँ जेन्युइन रहने वाला है विजय भैया इनका? स्पॉइलर जेन्युइन है, स्टीयरिंग पूरी जो चेंज हुआ है वो भी स्टीयरिंग पूरा महिंद्रा जेन्युइन है, लाइट जो लगा वो भी महिंद्रा जेन्युइन है, 99% जो बेस टू टॉप का जो काम होता है वो जेन्युइन प्रोडक्ट ही लग के होता है। ठीक है, तो ओवरऑल भैया काम से सेटिस्फाइड हो? सेटिस्फाइड, इतनी दूर से आए हो? मेरे ख्याल से काम यहाँ बेस्ट होता है, तो आपने वीडियोस देखी होंगी जैसे आपने भी यूट्यूब वगैरह पे, तो सेटिस्फाइड हो भैया? चलिए आप भी भैया सेटिस्फाइड हो, चलिए तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू भैया आपको भी, विजय भैया आपको भी थैंक यू। तो गाइज ये थी दोनों की मॉडिफिकेशन, आप देख सकते हो N4 और ये रही आपकी N10, तो ऐसा कुछ काम करवाना चाहते हो तो विजिट कर सकते हो क्रिस्टल कार केयर करोल बाग में। गाइज हम करते हैं वीडियो आज की यही खत्म, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई गाड़ी की मॉडिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।